हरे कृष्ण आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी मदन सुंदर प्रभु जी ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री की है उन्होंने जूनिपर नेटवर्क्स यूएसए में रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया है जिसके लिए सन दो में उनके शोध प्रयासों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार यानी एम्प्लॉय एक्सेलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया गीता के संदेश और के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के जीवन से प्रेरित होकर वे भारत लौटे तथा सन 2012 में पूर्ण रूप से वैदिक कला एवं विज्ञान के छात्र के रूप में इस्कॉन से जुड़ गए प्रभु जी इस्कॉन पुणे में कॉरपोरेट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फोरम के निदेशक के रूप में सेवारत हैं, जो कॉरपोरेट्स शिक्षकों और छात्रों के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं प्रभु जी टी टी एल परसिस्टेंट एसेंचर स्टर्लिंग हेल्थ केयर ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज व सिम्बॉइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस आदि अन्य कई संगठनों में सत्र आयोजित कर चुके हैं जिसमें उनका लक्ष्य कार्यस्थल में सचेतन मानसिकता के साथ आत्म जागरूकता और सकारात्मक जीवन को बढ़ावा देना है वैदिक शास्त्रों के संदेश को पढ़ना और साझा करने में प्रभु जी को विशेष आनंद तथा संतोष प्राप्त होता है वह इसी कारण प्रभु जी ने भगवद गीता महाभारत रामायण और श्रीमद्भागवतम भागवतम पर आधारित कुछ पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं जिनसे कई लोग प्रेरित होकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभुजी के श्रीमुख से धन्यवाद हरे कृष्ण ओ ज्यान मतिरंद ज्ञाजनाशलाखया चक्षुर उन्मील तस्मा श्री नम हरे कृष्ण आप सभी का स्वागत है गीता सार कार्यक्रम में और आज हम गीता का फोर्टींथ चैप्टर प्रकृति के तीन गुण उस पर चर्चा करेंगे थर्टींथ चैप्टर के अंदर अर्जुन ने छह प्रश्न पूछे थे भगवान श्री कृष्ण से पुरुष प्रकृति क्या है न्यानम नेयम क्या और क्षेत्र क्या है इन प्रश्नों के जवाब देते हुए जब भगवान श्री कृष्ण पुरुष और प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं तो भगवान बताते हैं हे hey अर्जुन हर एक जीव इस भौतिक दुनिया में गुणों के प्रभाव में जो प्रकृति की शक्ति है प्रकृति के गुणों के प्रभाव में हमेशा नियंत्रित रहता है एक सामान्य व्यक्ति को लगता है कि वो स्वतंत्र है हर साल अलग अलग देशों में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है पर तो स्वतंत्रता क्या है बल्कि व्यक्ति पुरुष भाव में आकर जब प्रकृति को भोगने का प्रयत्न करता है तो वो उतना ही फंसता चला जाता है तो थर्टीन चैप्टर में भगवान बताते हैं इस भोगने की इच्छा के कारण व्यक्ति इस भौतिक दुनिया में फंस जाता है और अब इस फोर्टीन चैप्टर में प्रकृति के तीन गुण यहाँ पे भगवान विश्लेषण करेंगे कि व्यक्ति फंसता कैसे है इन प्रकृति के गुणों में और प्रकृति के इस जंजाल में व्यक्ति फंसता कैसे है उसका विश्लेषण करने के लिए भगवान बताएंगे यहाँ प्रकृति के तीन गुणों के बारे में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है ये इससे चर्चा करने से पहले एक छोटी सी बात हर व्यक्ति को या ज़्यादातर व्यक्तियों को एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है वैसे तो बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जो एक जो एक मिसकॉन्सेप्शन है जिसका वर्णन बार बार भगवत गीता में आता है वो ये है जैसे तीसरे अध्याय के सत्ताईसवें श्लोक में कहा गया है भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणाणी गुण कर्मा सर्वशाह अहंकार अविभूण आत्मा करता हम मिति मन्यते एक मूर्ख आदमी अपने आप को करता समझता है बल्कि करा तो सब कुछ प्रकृति के नियमों के द्वारा है तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले तो इस गलत फहमी को यहाँ पर एड्रेस करते हैं तो प्रश्न बनता है एम आई रियली द डूअर एम आई रियली द कंट्रोलर भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन सच्चाई ये नहीं है हम करता नहीं है करता तो प्रकृति है हम तो पपेट हैं पपेट का मतलब अगर आपने कभी कठपुतलियों का गेम देखा होगा तो पर्दे के पीछे कठपुतलियों को हिलाने वाला एक व्यक्ति होता है और स्टेज पर कठपुतलियाँ हिल रही होती हैं तो इस उदाहरण के अनुसार हम कौन हैं जो कठपुतलियों को हिला रहा है या हम कठपुतली हैं सोचिए जरा हम कौन हैं हर कोई व्यक्ति कठपुतलियों को हिलाने वाला बनना चाहता है कंट्रोलर बनना चाहता है बट वास्तविक में हम सब उस कठपुतलियों के समान हैं जो सत्वगुण रजुगुण तमगुण के द्वारा कंट्रोल या नियंत्रित की गई है उसी का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस अध्याय में बताते हैं ये सोचने और देखने वाली बात है ये जो तीन गुण हैं सत्वगुण रजुगुण तमगुण जिसका उल्लेख इस अध्याय में करा गया है व्यक्ति की हर कुछ हर कुछ क्रम इस तीन गुणों के प्रभाव से है उसका एटीट्यूड उसका व्यवहार उसके चलने का तरीका उसके बोलने का तरीका उसके खाने की पसंद संगीत सुनने की पसंद किस प्रकार का कर्म करता है कोई भी वो हरकत जो करता है यहाँ तक कि उसका रिस्पॉन्स जो प्रतिक्रिया है यहाँ तक कि उसकी सोचने की क्षमता सब तीन गुणों के प्रभाव में है इसका जब हम विश्लेषण करेंगे तो आप इस चीज़ को और समझ पाएंगे अतः भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति है वो हर समय इन तीन गुणों से बंधा रहता है तो आइए इस फोर्टीन चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इसमें सबसे पहले भगवान श्लोक संख्या तीन और श्लोक संख्या चार में एक बार फिर भगवान अपना प्रकृति और जीव के बीच का संबंध बताते हैं भगवान श्री कृष्ण तीसरे श्लोक में कहते हैं ममयोनिर महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददामि हम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत भगवान कहते हैं ये जो प्रकृति है वो एक माँ के समान है जिसके गर्भ में मैं इन सभी जीवों को जन्म देता हूँ तो फोर्थ श्लोक में इसी बात का उल्लेख विस्तार से किया गया है जहाँ भगवान कहते हैं सर्वयोनिषुकांतिया मूर्तिया संभव ताशाम ब्रह्मा महदयो अहम् अहम बीजा प्रथा पिता हे अर्जुन आई एम सीड गिविंग फादर अहम बीज मैं ही वो बीज बोता हूँ कौन मैं और कहाँ बीज बोता हूँ प्रकृति में और उस बीज का फल क्या निकलता है जीवात्मा तो भगवान कहते हैं मैं सबका परम पिता हूँ प्रकृति सबकी माँ है और जीव पुरुष और प्रकृति के साथ आने के बाद जो स्वरूप जीव का यहाँ जन्म होता है तो हमारे बीच का रिश्ता तय करने के बाद फिर भगवान आगे चर्चा करते हैं हे अर्जुन पाँचवें श्लोक से वर्णन आता है हे अर्जुन इस भौतिक दुनिया में प्रकृति के तीन गुण होते हैं सत्वगुण रजोगुण, तमोगुण। अगर हम एक पल के लिए आठवें चैप्टर की तरफ जाएं, तो आठवें अध्याय के पंद्रहवा श्लोक में भगवान कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो मुझे प्रेम करते हैं जो मुझे एक बार प्राप्त कर लेते हैं वो कभी भौतिक दुनिया में नहीं आते और भौतिक दुनिया को कैसे भगवान संबोधित करते हैं दुखालयम अशाश्वतम तो जब हमने आठवें अध्याय का उल्लेख करा था वर्णन किया था तो हमने इस भौतिक जगत का वर्णन किया था हमने बताया था कैसे इस भौतिक जगत को भगवान एक ग्रह के समान एक कंपैरिजन करते हैं ग्रह क्या होता है जहाँ पे क्रिमिनल्स को भेजा जाता है जब क्रिमिनल को ग्रह में भेजा जाता है तो उसके कपड़े बदले जाते हैं उसी प्रकार जब जीव इस भौतिक दुनिया में आता है उसको चौरासी लाख योनियों का के प्रकार के शरीर या वस्त्र धारण करने होते हैं तो ये हम भौतिक जगत ये कालाग्रह या बंद ग्रह है जहाँ पे हर जीव भगवान से विमुख होने के कारण भगवान से द्वेष करने के कारण वो दंड भोगने के लिए इस भौतिक दुनिया में आया है जहाँ दंड के रूप में हर जीव को जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम केवल यही नहीं अध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक क्लेश भुगतने पड़ते हैं तो तब हमने इस बात की चर्चा नहीं करी तो जो अब करने वाले हैं अगर हम सभी कालग्रह में हैं हमें दुख मिलता है उतना तो समझ आ गया हमें वस्त्र मिलते हैं उतना तो समझ आ गया पर हमें तो लगता नहीं हमें किसी ने बांधा हुआ है हाउ एम आई बाउंड इन दिस प्रेजेंट हाउस जब व्यक्ति जेल में जाता है तो उसके हाथों में और पैरों में चेन पड़ती है हा या ना अब भगवान श्री कृष्ण इस फोर्टीन चैप्टर में बताएते हैं कि कैसे व्यक्ति को इस जेल में बांधा जाता है जो तीन चेन है जिससे व्यक्ति को बांधा जाता है उसको कहा जाता है सत्वगुण रजगुण और तमगुण उन तीन चेनों के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में जो भी करता है इन तीन चेनों के आधार पर ही करता है अगर सत्व गुण को सोने की चेन बोला जाए और रजोगुण को सिल्वर की चेन बोली जाए और तमोगुण को लोहे की चेन बोली जाए तो आप इन तीनों चेन में से कौन सी चेन से बंधना पसंद करेंगे जो अकलमंद व्यक्ति है वो कहेगा प्रभु मुझे किसी चेन में नहीं बंधना मुझे इन चेनों से मुक्त होना है उसी को स्वतंत्रता कहा गया है उसी चीज को भगवान यहाँ पे भी समझाते हैं यहाँ तक कि भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है त्राई विषया वेदा निस्त्राई गुण्यो भार्जुना हे अर्जुन जितने भी वेदिक शास्त्र हैं वो आपको यही सिखाते हैं कैसे इन गुणों के प्रभाव से स्वतंत्र होना है और उसके लिए भगवान क्या कहते हैं सातवें अध्याय के फोर्टींथ श्लोक में अगर आपको इन तीन गुणों या प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होना है तो क्या करना है देवीश गुणमाई ममा माया दुरया मामेवाय प्रपद्य माया में तरंत्य भगवान की शरण लेनी है अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण लेता है तो भगवान अपने आप माया अध्यक्ष न प्रकृति सुयते सचराचरम ये जो प्रकृति है मेरे अधीन है भगवान कहते हैं तो भगवान अपनी प्रकृति को कहते हैं इसको मुक्त कर दो तो आइए इस सत्वगुण रजगुण और तमोगुण के बारे में थोड़ा विश्लेषण करके जानते हैं कि कैसा इन गुणों का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है वो समझाने से पहले और वर्णन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ उदाहरण के रूप में आपको ये विषय सरलता से समझ आएगा एक बार की कहानी थी एक परिवार में तीन भाई थे बड़े भाई का नाम सत्तो बीच वाले भाई का नाम रज्जो और तीसरे भाई का नाम तमो था तीनों ही भाई बिजनेस किया करते थे और एक समान का बिजनेस था, था दूसरों को टोपी पहनाना मेरा मतलब टोपी बेचा करते थे टोपी सिला करते थे दूसरे गाय में बेचने के लिए जाया करते थे तो एक दिन एक भाई जाता था दूसरे दिन दूसरा तीसरे दिन तीसरा भाई जाता था एक समय की बात है जब बड़ा भाई जा रहा था तो उनका एक प्रकार से यही हुआ करता था कि जब भी वो दोपहर में जाते थे तो लंच ब्रेक के लिए रुका करते थे और लंच लेने के बाद थोड़े समय के लिए रुक जाते थे इस बार ये किसी और नए गांव की तरफ जा रहे थे तो पहली बार उस जंगल के रास्ते से जा रहे थे इस जंगल में बहुत सारे बंदर थे जो सत्तो भाई था जो सत्तो था वो जब जंगल से जा रहा था लंच लिया लंच लेने के बाद सो जाता है उसके हाथ में थैला था जिस थैले में टोपियाँ रखी हुई थी और उसने अपने सिर पर भी एक टोपी पहनी हुई थी जिसको उतार के अपनी जेब में रखकर सो जाता है जैसे ही सो के उठता है थैला गायब एक भी टोपी नहीं बड़ा परेशान हो जाता है इधर उधर देखता है तो पता चलता है सारी की सारी टोपियों को बंदरों ने पहन ली है और बंदर सब शाखा पर खड़े हुए हैं यही सेम चीज सत्तों के संग होती है अगले दिन रज्जो के संग और तीसरे दिन तमो के संग होती है सेम सिचुएशन पर तीनों भाइयों का जो प्रतिक्रिया है इस सिचुएशन के प्रति वो अलग होता है तो शुरुआत करते हैं तमों से सबसे छोटे भाई की प्रतिक्रिया से जब छोटा भाई सो के उठता है देखता है कि मेरी टोपियाँ गायब हो गई हैं और टोपियाँ सारी बंदरों ने पहन ली है वो इतना दुखी हो जाता है इतना दुखी हो जाता है इतना निराश हो जाता है सोचता है जीवन का मतलब ही नहीं है मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए मैं क्या करूँगा वो चिल्कता चिल्लाता दुख मनाता हुआ ये कहता हुआ कि अच्छे लोगों के संग बुरा क्यों होता है शराब घर में जाके शराब पी के सो जाता है ये हुआ आपका तमों का रिस्पॉन्स जब रज्जों की बारी आती है रज्जों के संग ऐसा होता है जब सो के उठता है देखता है सारी टोपियां चोरी हो चुकी हैं बड़ा क्रोधित होता है इधर उधर देखता है देखता है बंदर ने ले लिए हैं आस पड़ोस में देखता है पत्थर पड़े हुए हैं पत्थर उठा उठा के फेंकता है चीखता है चिल्लाता है गालियां देता है फ्रस्ट्रेट होकर चला जाता है उसको एक टोपी वापिस नहीं मिलती और तो जब सत्तों की बारी आती है जब सत्तों देखता है कि कैसे मेरी टोपियों को बंदरों ने पहन लिया है तो उठता है और सोचता है अरे बंदर नौटंकी होते हैं मतलब नौटंकी मेरा मतलब कॉपी कैट होते हैं जैसे मैं करूंगा वैसे ही वो करते हैं तो वो जो सत्तो था अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते अपनी जेब से टोपी निकालता है सिर पे पहनता है जैसी वो टोपी पहनता है तो सारे बंदर भी टोपी पहन लेते हैं और फिर सत्तो टोपी को उठा के हवा में हिलाते हुए दूर फेंकता है जैसे ही वो दूर फेंकता है बंदर उसी प्रकार अपनी टोपी को दूर उठा के फेंकते हैं सारी की सारी टोपियाँ नीचे गिर जाती हैं सत्तो भागा भागा सारी टोपियों को पकड़कर अपने बैग में डालकर वहां से चला जाता है एक प्रकार की सिचुएशन प्रतिक्रिया तीन प्रकार की क्योंकि उदाहरण में तीन भाई थे दस भाई होते तो दस प्रकार की प्रतिक्रिया मिल जाती मतलब क्या ऐसा नाश क्या है जो सत्तो है वो सत्व गुणी व्यक्ति को दर्शाता है रजो रजो गुण व्यक्ति को दर्शाता है तमो तमोगुणी व्यक्ति को दर्शाता है जो सत्व गुण में होता है वो व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है बुद्धि का उपयोग करना जानता है और जीवन में अलग अलग आने वाली परेशानी परिस्थितियों में सही रूप से निर्णय ले सकता है उसको कहा जाता है सत्वगुण जो रजोगुण से प्रभावित होता है वो बहुत ही उत्तेजित होता है बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और बहुत ही स्पॉट डिसीजन देता है कभी जीवन में सफलता भी मिल सकती है और या ज़्यादातर निराशा ही प्राप्त होती है और जो तमोगुणी व्यक्ति या तमोगुण से प्रभावित होता है वो व्यक्ति को यही नहीं पता सही क्या है गलत क्या है वो गलत को सही समझता है सही को गलत समझता है वो हमेशा यही कहता है जीवन व्यर्थ है जीवन का कोई मतलब नहीं है वो सिर्फ विक्टिम मेंटालिटी विक्टिम मेंटालिटी कहकर अपने आप को और समाज को कोसता रहता है वो कुछ कर्म या कार्य नहीं करता इस प्रकार गुणों का हम पर असर पड़ता है सोचने वाली बात है जो हम प्रतिक्रिया देते हैं वो प्रतिक्रिया पर भी हमारा कोई हक नहीं है जो प्रतिक्रिया हम दे रहे हैं किसी भी परिस्थिति में वो डिपेंड करती है किस गुण का प्रभाव हमारे ऊपर है सत्व गुण का प्रभाव होगा तो एक प्रकार की प्रतिक्रिया होगी तमो रजो गुण दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया सोचिए क्या आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हुई है कि एक ही प्रकार की स्थिति का सामना आपको अलग अलग समय पर करना पड़ा हो और जो आपने प्रतिक्रिया दी है उसके प्रति अलग अलग दी हो जैसे उदाहरण के रूप में आप में से कितने लोगों का एक्सपीरियंस है ट्रैफिक जाम में अटकने का आपने देखा है कभी आप ट्रैफिक जाम में अटके हैं तो हो सकता है आपने एक प्रकार की प्रतिक्रिया दी हो और किसी और दिन अगर ट्रैफिक जाम में फंसे हो तो आपने उसको किसी और प्रकार प्रतिक्रिया दी हो तो ये सब गुणों के प्रभाव में होता है तो उसी चीज का उल्लेख यहाँ पे करते हैं भगवान श्री कृष्ण छठे श्लोक में बताते हैं सत्व गुण का सिम्टम क्या होता है सत्व गुण में व्यक्ति शुद्ध जीवन जीता है सभी प्रकार के पाप कर्मों से दूर रहता है और बुद्धि का सही मात्रा से उपयोग कर पाता है जो रजोगुण जिस व्यक्ति पर रजोगुण प्रभाव होता है वो उसके अंदर काम वासना बहुत तीव्र होती है इच्छाएं बहुत तीव्र होती हैं बहुत ग्रीडी होता है साथ ही साथ ग्रीडी होने के साथ साथ द्वेषी बहुत होता है और वो कभी भी शांत नहीं रह सकता और उसके अंदर भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हमेशा उसका मन उत्तेजित रहता है जो तमोगुण के प्रभाव में होता है उसको तो सोने में सबसे ज़्यादा आनंद आता है खाना खिलाओ ना खिलाओ घुमाने ले जाओ ना ले जाओ उससे बड़ा आलसी कोई नहीं जहाँ आलसपन जहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन आता हो वहाँ तमोगुण की निशानी है नशा जुआ मांसाहार इस प्रकार के पाप कर्म में लिन व्यक्ति वो तमोगुण का उदाहरण है आपको हम रामायण से एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जिस प्रकार आप सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के उदाहरण को समझ जाएंगे रामायण में तीन भाई थे वैसे भाई तीन एक नहीं दो दो भाई थे जो तीन तीन भाई थे एक तो राम जी के भी भाई थे राम राम के और तीन भाई और दूसरा उदाहरण है रावण जो सही में तीन भाई थे रावण कुंभकर्ण एंड विभीषण अगर मैं आपसे पूछूं रावण कुंभकर्ण विभीषण में कौन सत्वगुण रजोगुण और तमगुण है आप किसका नाम लेंगे तमोगुण मतलब आलसी कर्म में, में लीन वो है कुंभकर्ण जो छः महीने सोया करता था रजोगुण मतलब काम वासना बहुत तीव्र हमेशा द्वेष करना दूसरों से दूसरों के दूसरों के नुकसान के बारे में सोचना और कभी शांत नहीं रहना वो है रावण और विभीषण सत्वगुणी जो भगवान की भक्ति करते और शुद्ध जीवन जीते इस प्रकार हम इन सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के सिम्टम्स को ध्यान रख सकते हैं अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है हे hey प्रभु क्या व्यक्ति के ऊपर सत्वगुण रजगुण तमुगुण अलग अलग समय पे आते हैं या सत्वगुण ही बना रहता है हर समय या रजगुण भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन श्लोक संख्या दस से लेकर श्लोक संख्या तेरह तक इसका विश्लेषण करते हैं भगवान कहते हैं अर्जुन इन सत्वगुण रजगुण तमुगुण के बीच में हमेशा कॉम्पिटिशन बना रहता है प्रोमिनेंस का कौन सा अधिक भारी पड़ेगा जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप ये 24 घंटे जो दिन में होते हैं अगर आप उसको ध्यान से देखें ये 24 घंटे भी सत्वगुण रजगुण और तमगुण के अनुसार विभाजित है आप में से कितने लोग को याद है कि आपके माता पिता आपको बचपन में कहा करते थे बेटा सुबह उठो जल्दी उठो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठो अगर आप कुछ भी पढ़ाई करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा हाँ या ना तो वो होता है सत्वगुण का समय जैसे ही सूर्य उदय होता है सूर्यास्त तक रजोगुण का समय होता है जहाँ व्यक्ति दौड़ने लगता है उसकी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं वो बहुत कुछ चाहता है पाना चाहता है और जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद तमोगुण प्रभावी हो जाता है जहाँ अब व्यक्ति के सोने का समय आता है इसी प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार सत्वगुण रजगुण तमोगुण से मेल मिलाप करता है जैसे कि हम आगे सत्र में ध्यान में पढ़ेंगे जो आप खाना खाते हैं जो आप म्यूजिक सुनते हैं जो भी कर्म करते हैं वो सत्वगुण रजगुण में तमोगुण में बटा हुआ है अगर आप अधिक से अधिक कर्म रजोगुण में करेंगे तो रजोगुण अधिक आपके अंदर बढ़ेगा आपकी प्रतिक्रिया आपकी डिसीजन मेकिंग सब रजोगुण के अनुसार होंगी उसी प्रकार सत्वगुण के कर्म करेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा और सत्वगुण का एक सिम्टम है मन का शांत रहना बट सफलता प्राप्त करना दृढ़ निश्चय वो सत्वगुण की निशानी है पर यहाँ दृढ़ निश्चय का पालन करते हुए व्यक्ति का मानसिक संतुलन कभी नहीं बिगड़ता यहाँ तक कि जो राजसिक व्यक्ति है वो भी दृढ़ निश्चय है पर उसका मानसिक संतुलन कभी उसके कंट्रोल में नहीं रहता इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण दस से लेकर तेरहवें श्लोक तक इस बारे में वर्णन करते हैं और फिर कृष्ण आगे बताते हैं अर्जुन जो व्यक्ति सत्वगुण रजोगुण तमगुण के प्रभाव में शरीर को त्यागते हैं उनका क्या होता है उनको क्या गति मिलती है जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है मरने के बाद स्वर्ग जाता है रजोगुणी व्यक्ति पृथ्वी पे दोबारा जन्म लेता है कौन सी योनि में भगवान ने ये तो निर्धारित नहीं किया और जो तमोगुणी है वो पशुओं की योनि में जन्म लेता है चाहे पृथ्वी लोक हो या पताल लोक उसके बाद सिक्सटींथ श्लोक से लेकर सेवनटीन श्लोक तो भगवान बात करते हैं कर्म कैसे होते हैं जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है उसके सारे कर्म शुद्ध होते हैं पाप कर्म से मुक्त होते हैं जो राजसिक व्यक्ति होता है वो जो भी काम करे बड़े ही उत्तेजित भावना से करता है और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो तो कुछ करता ही नहीं और जो भी कुछ करता है हमेशा मूर्खता भरे कर्म करता है सिक्सटींथ श्लोक में ऐसे कहते हैं भगवान और फिर सेवेंटींथ श्लोक में उल्लेख आता है रिजल्ट क्या होता है एक्शंस का जो सत्व गुण में व्यक्ति काम करता है उसको सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है जो रजोगुण में काम करता है उसको सिर्फ दुख प्राप्त होता है जो तमोगुण में काम करता है उसको सिर्फ विनाश या ये कहिए जो तमोगुण व्यक्ति है ही इज अ सेल्फ अब्यूजर वो अपना सिर्फ विनाश करता है इस प्रकार यहाँ पर रुपात इस चीज़ का उल्लेख करते हैं फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है प्रभु क्या हम अपने आप में और अपने हमारे ऊपर जो ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है क्या हम इसको बदल सकते हैं भगवान कहते हैं हाँ बदल सकते हैं उसके लिए दो चीज़ करनी पड़ेगी क्या आप तैयार हैं सरल भी है मुश्किल भी है क्या दो चीज़ करनी पड़ेगी अगर आपको अपने इन गुणों के प्रभाव को बदल के गुण में स्थित होना है सबसे पहले आपको जो सही चीज़ें हैं उनके प्रति जो हमें कई बार यू नो ना अपनाने की वो भावना रहती उसको त्यागना होगा जो भी जीवन में अच्छी चीज़ें उसको अपनाकर ताकि सत्व गुण बढ़ सके उसको अपनाना होगा और दूसरी चीज़ जो त्यागनी है वो जो हमारी बुरे कर्मों के प्रति आसक्ति है उसको त्यागना होगा तो मतलब जुआ खेलना मांसाहार अवैध संबंध नशा करना इन जैसे चार कर्मों को त्यागना होगा और किन कर्मों को अपने जीवन में उतराना होगा कृष्णा प्रसादम साधु संग चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड और सरलता भरा जीवन सीधे साधे स्वच्छ कपड़े पहनना ये सभी चीज गुणों के प्रभाव में आते हैं और इसी जगह पर शिला प्रभुपात 17 श्लोक में बहुत खूबसूरत तात्पर्य लिखते हैं बताते हैं मैंने इस कौन का निर्माण क्यों किया आज इस सोसाइटी में इस हरे कृष्ण आंदोलन की क्या आवश्यकता है उसका विस्तार से प्रभुपात सत्रह श्लोक में इसका वर्णन करते हैं उस तात्पर्य को हम पढ़कर आगे विश्लेषण करेंगे और प्रभुपात बताते हैं सेवनटीन श्लोक में और कहते हैं चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है अतएव उनके लिए कृष्ण की की है। कृष्ण के माध्यम से समाज में विकसित होगा। विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे तमगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते उदाहरणार्थ तमगुण में रहने के कारण लोग यही नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे वास्तविक ज्ञान की शिक्षा ना मिलने के कारण वे अन उत्तरदायी बन जाते हैं इस उच्च शखलता को रोकने के लिए जनता में सतगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है सतगुण में शिक्षित होने हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध ना बन पाए लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत तो विकसित कर लेता है और सतुगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की भावना संभावना जागृत होगी नहीं तो यदि विश्व के लोग रजगुण तमगुण में लगे रहे तो शांति और समृद्धि कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी रजगुण में लोग लोभी बन जाते हैं इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती जैसे कि रावण कोई भी ये देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्र तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है न मन की शांति ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है यदि कोई भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सत गुण में स्थित करना होगा इस प्रकार शिला प्रूपा तात्पर्य में लिखते हैं इस कौन की समाज में क्या आवश्यकता है इस कौन कोई मंदिर नहीं एक वैदिक शिक्षा प्रणाली या वो संस्था है जहाँ पे भगवदगीता का ज्ञान सिखाया जाता है जितने लोग इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे भक्ति से जुड़ेंगे उतने ही लोगों के लज्जुगुण और तमगुण में बदलाव आएगा और सत्वगुण में स्थित होंगे इसलिए अंत में भगवान कहते हैं अर्जुन को मामचायो विचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणा समिति ये तान ब्रह्म भूयाय कल्पते अगर आपको इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना है तो भक्ति मार्ग का पालन करना पड़ेगा जो भक्ति योग के नियमों का पालन करते हैं वो अपने आप को बहुत जल्द ही इन तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त कर पाते हैं और सही मायने में इसी को स्वतंत्रता कहा जाता है और इस स्वतंत्रता को पाने का अवसर हम सबके पास है और उसका रहस्य भगवद गीता में दिया हुआ है और उसका पालन करने के लिए इसका अध्ययन करिए प्रमाणिक गुरु की शरण लीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करिए इसी के साथ हम इस फोर्टीन चैप्टर को ही समाप्त करते हैं जब हम कल आपसे मिलेंगे तो अब फिफ्टींथ चैप्टर का उल्लेख होगा अभी यहाँ भगवान ने बताया है तीन गुणों से लोग कैसे प्रभावित होते हैं अब फिफ्टींथ चैप्टर में भगवान बताएंगे इस भौतिक दुनिया के बारे में और इस भौतिक दुनिया को पार कर जो अध्यात्म दुनिया है या आध्यात्मिक दुनिया या जगत है उसका विश्लेषण भगवान अब फिफ्टींथ चैप्टर में करेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा जगत गुरु शीला प्रभुपाद की चाय ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डी ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें एट सेवन सिक्स सेवन एट फोर फाइव एट फोर फाइव